जैसा कि आप जानते हो, हमारे डेयरी में गाय की डिलीवरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डेयरी में गाय ज़्यादा होने की वजह से हमें गाय के ब्याने की प्रॉपर टाइमिंग एंड कंडीशन के बारे में पता नहीं चलता। तो बात करेंगे आज हम ऐसे ही डिवाइस की जिसकी हेल्प से हमें गाय की डिलीवरी से पहले ही पता लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेट व्लॉग्स में। तो बात की जाए एक ऐसे डिवाइस की जिसे हमें गाय की डिलीवरी से पहले ही अलर्ट मिल जाए। कुछ इस तरह का दिखता है ये डिवाइस। ये डिवाइस हम डिलीवरी से पहले गाय की पूंछ पर आसानी से लगा सकते हैं। इसमें दो सिस्टम यूज़ होता है, पहला है टाई सिस्टम, दूसरा है टेप सिस्टम। ये डिवाइस गाय की पूंछ की मोटाई के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, चाहे पूंछ पतली या मोटी हो ये आसानी से टाई हो जाता है। ये सेंसर डिवाइस हमें तीन कंपनी में मिल जाता है, पहला है मूकॉल, दूसरा है कार्बसेंस, तीसरा है आईकाप 101। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रही होगी जिसमें डेयरी फार्मर के हाथ में कार्बसेंस टेल सेंसर है। इस डिवाइस को फार्मर ने डिलीवरी से पहले गाय की पूंछ पर लाल रंग की टेप से लगाया हुआ है। इस डिवाइस में चिप सिस्टम है जो आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट रहेगा। जब गाय की डिलीवरी का टाइम आएगा तब ये डिवाइस आपके फ़ोन पर 1 से 2 घंटे पहले अलर्ट करेगा। जैसे ही आपको अलर्ट मिलता है देन आप अपने पशु के पास पहुँच कर उसकी डिलीवरी में हेल्प करवा सकते हो उसकी क्रिटिकल कंडीशन में। ये तो था कार्बसेंस डिवाइस जो कि टेप से लगाया जाता है। देन अब हम बात करेंगे दूसरे डिवाइस की जो कि टाई सिस्टम से लगाया जाता है, वो है मू कार्बसेंस डिवाइस। तो इस डिवाइस को हम अपनी गाय की पूंछ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि फार्मर अपनी डिलीवरी बॉय गाय की पूंछ पर आसानी से डिवाइस को इंस्टॉल कर रहा है। इस डिवाइस को हमने सेम ऐसे ही तरीके से इंस्टॉल करना है। एक बात ध्यान में रखनी है कि डिवाइस ओवर टाइट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल वेट व्लॉग्स को। थैंक यू।